आप भी हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शो को ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जल्दी भारत का श्रीलंका दौरा शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम की जमकर प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने अब तक 2 इंट्रा स्क्वाड मैच खेले हैं। इन दोनों मैचों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि खिलाड़ी अपने जबरदस्त फॉर्म में है। हाल ही में हुए दूसरा इंट्रा स्क्वाड मैच में हमें भारत के बल्लेबाजों के द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको इस मैच के हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से आप किसको बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, 13 जुलाई से भारत का श्रीलंकाई दौरा शुरू होने वाला है, जिसमें 2 सीरीज खेली जाएंगी, ओडीआई और टी20। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का अभ्यास जोरों शोरों से शुरू हो गया है। इस अभ्यास में भारतीय टीम ने अब तक 2 इंट्रा स्क्वाड मैच खेले हैं। दोस्तों बता दें कि पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में 25 खिलाड़ियों की इस भारतीय टीम को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक टीम की कप्तानी भारत के इस दौरे के लिए चुने गए कप्तान शिखर धवन ने की और दूसरी टीम की मेजबानी भारत के उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने की। दोस्तों बता दें कि इस पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया गया। ये मैच रोमांच से भरपूर था। दोस्तों अब आपको बताते हैं इस सीरीज से पहले खेले जाने वाले दूसरे और आखिरी इंट्रा स्क्वाड मैच के बारे में, जिसके हीरो रहे भारतीय बल्लेबाज। दोस्तों इस दूसरे इंट्रा स्क्वाड मैच में खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बता दें कि इस बार की एक टीम की मेजबानी शिखर धवन ने की, वहीं दूसरी टीम की मेजबानी भुवनेश्वर कुमार करते हुए नजर आए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बोर्ड पर 195 का विशालकाय स्कोर बना डाला, जिसमें भुवनेश्वर कुमार की टीम के तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ ने धुआंधार 75 रन बनाए, जिनमें उन्होंने 6 चौके और 5 लंबे छक्के लगाए। उनकी ये विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर विपक्षी खिलाड़ियों की पैरों तले जमीन खिसक गई। लगातार विकेट गिरने के बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों की क्लास लगाई। उन्होंने महज 30 गेंदों में 79 रन की धुआंधारी पारी खेली, जिनमें उन्होंने 6 विशालकाय छक्कों के साथ 5 जबरदस्त चौके लगाए। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये लग रहा था कि वो जैसे ही बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरेंगे तो हर एक गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा देंगे। दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर नाबाद 154 रन की शानदार साझेदारी की, जिसकी वजह से उनकी टीम ने बोर्ड पर एक पहाड़ समान लक्ष्य रखा। दोस्तों इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी शिखर धवन की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। बता दें कि शिखर धवन ने पहले ही ओवर में चेतन सकारिया के बॉल पर एक ढीले शॉट का प्रयास करके गेंद फील्डर के हाथों में थमा बैठे। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शो ने अगले ही ओवर में 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगा के विपक्षी टीम में ये ऐलान कर दिया कि शुरुआती विकेट गिरने से उनकी बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं हुआ, वो आक्रामक बल्लेबाजी करने आए हैं और ये करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बता दें कि उन्होंने 84 रन की शानदार विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने अपनी जबरदस्त पारी में 5 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके लगाए। उनकी धुआंधार पारी देखकर विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छूट गए। इस प्रैक्टिस मैच में पृथ्वी शो के द्वारा एक अलग ही लेवल की बल्लेबाजी दिखाई दी। उनकी ये शानदार बल्लेबाजी देखकर प्रशंसकों के साथ साथ भारतीय कोच भी उनके बल्लेबाजी के कायल हो गए। दोस्तों इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा शानदार बल्लेबाजी का खेल दिखाई दिया। उन्होंने सभी क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों के ऐसे प्रदर्शन को देखकर आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम इस दौरे पर श्रीलंकाई टीम को क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।